जल्दी जाओ जोशी के दरबार, जोशी बुलाओ रंगी। कारुगा चोरा एक दाता गया दो, अरे जाए जोशी ने लोई। हे महाराज जोशी दादा ठाकर गोविंद सिंह के महिला से थाने बुलाओ आए है। अरे ले लो थारा वेद पुराण बाबा, जुना जुगांगा ले लो इपना। जोशी दादो मण मण करे स्नान नहावे निचोवे धड़ा। जोशी दादो लिया रे वेद पुराण, जुना जुगा गा लिया है। प्रिय सुनो अजला मल्ला चल गए, जोशी दादो मेला इतमा आजे। ठाकर साहब कहने लगा जोशी आगे पधारो मन के चो, खोलो बदरगी बैठो। हे महाराज मारे लाडा गोडा कमर जलमे है, कई गा नक्तरे के बार है तो किसी भांति। जोशी राधो बहुत श्री महाराज का नक्तर बार देखे किया देखे। ओ नंदन मावे की जय हो, आज जो सीधा तार है देखो रे कमर गाविन बारे मेरे माए दे।
सस्ती नादा के यरे बदानीर बनगे कौन है
ठाकर गोमन सिंह घरे दादा जोशी आज ये दादा हम खोल के बैठा है जोशी दादा देखो कमर का दिन बार अरे कौन से नक्षत्र में कमरी जोशी दादा खोलिया रे वेद पुराण जो ना जुगांगा खोलिया है जोशी दादो टेवा से टेवा मिलावे कहने लगे ठाकरा अच्छा नक्षत्र में कमर जल में है और कह दुनिया में रोशन नाम करी वेद पुराण पढ़ता पढ़ता वेदांग माई साकल दान नक्षत्र आजे जोशी दादा का निर्णय नहीं राजे बाबा ठाकर साहब आगे कहने लगा जोशी के बजांगी बनगी बात अरे किया गलियो है कचेड़िया में सोगे हे महाराज थारे निर्णय में नीर किए के बात है बाबा जोशी कहने लगे ठाकरा कंवर साहब की औसत एज की बहुत छोटी लिखी है अरे अब देख रहा करीब कह 17-18 साल की औसत है इसी बांती नाटी में गोड़ जाएगा और नाटी में पेनो पिए हो अरे और पेने से लिखड़ी है कमर की अरे वार्ता प्रिय सुनो ठाकर गोम सिंह कहने लगा महाराज एक कमर का नक्षत्र थे टाड़ो अरे महाराज कमर को नाम कोई और कटाओ बाबा थाने मुंह मांगे दान दूंगा मैं और चारणवासी दे दूंगा आदो आजे जोशी कहने लगे नहीं ठाकरा ये तो बेमाता का लिखड़ा लेख है अरे भगवान का घर का लेख है आज टड़ेन कोई काले प्रिय सुनो वेदांगवा नाम कंवर शिलो को रखे अब जोशी दादो नाम रख के आपके घरे चले जाए अरे बबू तो सिद्ध महाराज करीब के 5-6 साल की अवस्था हो जाए अरे और किसी भांति स्कूल ना पढ़ने वास्ते जावर के कमर ने गीतालो ज्ञान हो बहुत निरंजन भावे की जय हो हा हा पार्टी ने बरतों लिया पार्टी ने बरतों लिया हाथ में लांगड़ी है Oh,
Hey!
साल की अवस्था हो गए और स्कूल आके पढ़ने वास्ते लागी। पढ़ता पढ़ता कौन सामने क्या गीता हो गया मुझे घरे आंती डे का एवड़ के पाली सामने क्यों ना मिली एवड़ के पाली पूछे रे भाइयो थारे एवड़ में कितो ठाट है एवड़ का पाली कण लगा का कुसा एवड में बहुत गुना ठाट है थे भी क्यों ना एवड खरीदी। अब इतनी बात करी कंवर का माजी सा देख ले है अरे मन में विचार करियो कर ले भाई जो ब्राह्मणा बताई बात कंवर से कह सागी सागी पावना भरण लागी बांधिन भेज गई कंवर साहब ने बुलावा कहने लगी रे बेटा एवड़ के पाए से तेरो के काम अरे बहु तो सिद्ध महाराज के माता एवड़ मेरो जी घणो है और एवड़ में खरीदूंगा मुंगई तो किसी बांधी बहु तो